14 अप्रैल 2022 को बॉलीवुड के पावर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने सात फेरे लेकर शादी रचा ली है, जिसका इनके फैंस को काफी लंबे से इंतजार था, क्योंकि पहले भी इनकी शादी की खबर ऐसे ही सुर्खियों में छाई थी और कोरोना की वजह से इनकी शादी पोस्टपोन हो गई थी। लेकिन अब इन्होंने आरके हाउस में अपने पूरे परिवार और करीबी रिश्तेदार और दोस्तों के साथ मिलकर धूमधाम से रॉयल वेडिंग की, जिनकी शादी की तस्वीरों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबने देखा कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने खूब शाही अंदाज में पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी की है, पर अब खबरें आ रही है कि दोनों हिंदू रीति रिवाजों के बाद अब क्रिश्चियन रीति रिवाजों के साथ भी शादी करेंगे। जी हाँ, तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत बुधवार को मुंबई के अपार्टमेंट परिसर वास्तु में मेहंदी सेरेमनी के साथ हो गई थी, जहां ये कपल रहते हैं। आपको बता दें कि मेहंदी से पहले इन्होंने गणेश पूजा भी की थी। वहीं बात की जाए इनके हल्दी सेरेमनी की, तो आपको बता दें कि इनकी हल्दी सेरेमनी सुबह शुरू हुई थी। इसी तरह से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की प्री वेडिंग हुई। अब 14 अप्रैल को इन दोनों ने बिल्कुल शाही अंदाज में शादी की है, जिससे इन दोनों की तस्वीरें खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सब उनकी तस्वीरों को पोस्ट करके इन दोनों को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बेहद पसंद कर रहे हैं, जहां इन दोनों की वेडिंग ड्रेस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की वेडिंग ड्रेस को सब्यसाची ने डिजाइन किया था और उन्होंने आलिया भट्ट रणबीर कपूर की वेडिंग फोटोज को अपने इंस्टा हैंडल पर पोस्ट करके ड्रेस के बारे में भी बताया था, जैसा कि आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। आपको बता दें कि आलिया भट्ट हैंड डाइड अंग्रोगा साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही थी, जिस पर महीन तिल का काम किया गया था। वहीं रणबीर कपूर एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क शेरवानी में नजर आए और इस सिंपल एथनिक लुक में बहुत हैंडसम लग रहे थे। अब खबरें आ रही है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अब इस रॉयल वेडिंग के बाद क्रिश्चियन रीति रिवाजों से भी शादी करने वाले है, जिसके लिए आलिया भट्ट ने अपने व्हाइट वेडिंग गाउन को डिजाइन करवाया है और रणबीर कपूर ने अपने ब्लैक सूट डिजाइन करवाया है और इन दोनों का वेडिंग ड्रेस ज्यादा यूनिक रॉयल होने वाला है, जिसमें ये दोनों बहुत प्यारे लगेंगे। और खबरें हैं कि जल्द ही इस रॉयल वेडिंग के बाद अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट क्रिश्चियन वेडिंग भी करेंगे, वो भी मुंबई में। दोस्तों, आपका क्या कहना है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के क्रिश्चियन वेडिंग सेरेमनी के बारे में जानकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।